वेलकम टू ई कक्षा दोस्तों। ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ना हमारे चैनल पे, हमें खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लेंगे, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक हमने पोल कराया था, पोल मतलब वोटिंग जो होती है अपनी साइट के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि यार जीएस में हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। देखो यार, इकोनॉमिक्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि लव सर अभी मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और लव सर ही ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो इको की भी स्टार्ट करें, क्योंकि रिकॉर्ड भी करनी होती है और भी काफी सारे काम होते हैं, हम एडिटिंग भी खुद ही करते हैं, तो जल्दी इको की भी क्लास शुरू हो जाएगी। अच्छा, आज से हम यहाँ पे शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं कवर करूंगा। अच्छा, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियन हिस्ट्री ई कक्षा पे क्यों पढ़े? आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अरे ये करके चले जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब पेपर आएगा ना तो दिमाग से ना साल याद आएगा ना बंदा याद आएगा और इसने किया क्या था ये भी निकल जाता है जब सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। तो इतनी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या मेरे भाई? कोई है फायदा? बिल्कुल भी नहीं है यार। तुमको टाइम पास करना ना, तो तुम वो कहानियां सुनते रहो। इतने कारनामे हो रखे हैं ना हमारी देश की हिस्ट्री में, सोच नहीं सकते। तो ई कक्षा के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने, एक बात पहले बोल दूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि ई कक्षा के ऊपर हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, और ये पेड कोर्स नहीं है। दिमाग से निकाल दो इस चीज को अपने। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार आगे जाकर आप पेड तो नहीं कर दोगे, हम आपको फ्यूचर नहीं दिखा सकते। मैं लव सर वाली लाइन बता रहा हूँ, आप जो है इसके ऊपर ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, पेड़ वेड़ दिमाग से निकाल दो। नहीं ले रहे यार आपसे पैसे, और बिल्कुल भी नहीं ले रहे, और हमारा पर्पस भी ये नहीं है। लेकिन इस चैनल के ऊपर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे भी हम पढ़ाएंगे, आप भूल नहीं पाओगे। खास तौर से ये जो इंडियन हिस्ट्री अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, होता क्या है यार, आप फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, बहुत सारी ट्रिक्स बता देंगे। अब बंदा वो ट्रिक्स याद रखेंगे, ये कंटेंट याद रखेगा? हमारे चैनल पे, इस चैनल में, ई कक्षा एजुकेशन पे फ्री में पढ़ाया जाएगा, सबसे बेस्ट पढ़ाया जाएगा और खतरनाक लेवल का पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, ताकि तुम भूल नहीं पाओगे सबको, और भूल कर दिखा देना। थंबनेल में मैंने लिखा है कि अभी बनवाऊंगा यार, अभी थंबनेल बना नहीं है, लेकिन मैं उसमें ये लिखवाऊंगा कि हमारे यहां पर हिस्ट्री को घोल कर पिलाया जाता है। अब आप क्या यार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार, पढ़ने का ना अपना थोड़ा तरीका बदलना पड़ता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी। लोगों ने पहाड़ तोड़ दिए ये तो कुछ है ही नहीं यार। लोग टॉप कर जाते हैं, यूपीएससी निकाल जाते हैं, एसएससी निकाल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपको पहले ना ट्रेलर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम आपको पता चल जाए कि हम इस चैनल पर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे। और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि ग्रामर लव सर पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट हो गई है, वो कैप बूस्टर जो है वो जीतू सर या जितेंद्र सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो वहां से पढ़ लो यार। तुम्हारे मन में डाउट है कि यार हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, यार हमारी भी यही कोशिश है कि एग्जाम से पहले जो है हम आपका सिलेबस पूरा करा दें। तो अब बाकी बातें मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, लेकिन अभी इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री जो है ना, वो यार तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला एंशियंट, फिर दूसरा मिडिवल, और जो तीसरा है ना मॉडर्न। तो आज एंशियंट में ना हम सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आते हैं। इससे पहले ना थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो मैं करा दूंगा। मैंने कहा ना मैं पहले ट्रेलर दिखाऊं। अब होता क्या यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, जैसे कि हरप्पा आपको दे दी, तो इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि यार ये कौन सी नदी के किनारे था, यह कौन सा देश था, हरप्पा जो सिविलाइजेशन मिली थी वो इंडिया में मिली थी या पाकिस्तान में मिली थी, तो इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन जो है वो बनकर आते हैं। तो यार देखो, इतना सारा कंटेंट है, इसको याद कैसे रखेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम याद रखवाएंगे आपको, और आप भूलोगे ही नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका अब इसके बाद बदल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले से। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 2500 से लेके 1750 बीसी के बीच में। अब बीसी का दूसरा मतलब निकालना, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। देखो यार, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था ना,
तो उससे पहले के जितने भी साल थे उनको रेफरेंस के लिए बीसी बोला जाता था, मतलब बिफोर क्राइस्ट। कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर सकें कि इससे पहले क्या था, इससे बाद में क्या था, और उसके बाद हम एडी बोलते हैं। ठीक है, जीसस के बर्थ के बाद जितने भी साल आएंगे ना एडी बोलते हैं, और जो बीसी वाले साल होते हैं वो ऐसे चलते हैं, जैसे पहले 2500, फिर 2000, फिर 1000, ऐसे चलता है। और जो एडी वाले वो बिल्कुल सीधा चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। और ये वाले जो थी ना 2500 से लेके 1750, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ऐसे पता चलता है, एक प्रोसेस होता है कार्बन 14 डेटिंग, इस प्रोसेस का नाम ही यही है। तो अगर मान लो इस टाइम के बीच में हमें कोई भी अवशेष मिलते हैं, या कोई भी जो खुदाई करी जो इन लोगों ने की थी वहां से कुछ चीजें निकल के पा रहे, तो उन्होंने उनको इन चीजों को हमने ना टेस्ट करने के लिए भेजा, और वो टेस्ट का नाम क्या था, कार्बन 14 डेटिंग। इस प्रोसेस से ना हमें किसी भी चीज की एज का आइडिया पता चल जाता है, ये सीन होता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सबसे पहले हरप्पा के ऊपर चलते हैं। इससे पहले भी ना थोड़ा सा कंटेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें याद कैसे रखना है कि हरप्पा, रावी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान, दयाराम सानी और कौन से साल में हुआ था, इसका जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है दो का, हरप्पा और मोहनजोदारो का। मैं मोहनजोदारो ही बोलता हूँ, तुम्हें कुछ और बोलना तो तुम प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये सब याद करना है। अब देखो यार, याद करने का तरीका ऐसे है, हरप्पा दिख रहा है तुमको यहाँ पे, हरप्पा में ना मुझे हर दिख रहा है, हर मत माने हरी, मैं भगवान से रिलेट करके याद कर रहा हूँ। और भगवान हरि जो भगवान विष्णु है, उन्होंने ही सारे सूरज बनाए हैं, सारी धरती, आकाश, पानी, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। मतलब हरि ही रवि है, हरि ही रवि है, हरि रवि। तो यहां से आपको क्या याद हो जाएगा कि जो हरप्पा जो जगह थी ना वो रावी नदी मतलब रवि के पास थी। इनडायरेक्ट वे में हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने ये याद कर लिया कि जो हरि है यही रवि है। अब डिस्ट्रिक्ट याद करनी है, जो मैंने बोला मैंने गलत थोड़ी ना बोला, मैंने तो बिल्कुल सही बात बोली है कि जो हरि है वही रवि है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। हरप्पा के बारे में पता चल गया, नदी कौन सी थी ये पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट पता चल गई सही से, साहिवाल, हरप्पा, रावी, साहिवाल। अच्छा, ये पंजाब में थी, याद रख लेना। और जो पाकिस्तान वाला है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि तीन साइट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पाकिस्तान में ही आती हैं, और उनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहां मिली थी, लेकिन ये बाद में करवाऊंगा। हरप्पा, रवि, साहिवाल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान हरि का दूसरा नाम क्या है, राजा राम, और भगवान हरि क्या करते हैं, दया। तो हरि से सीधा यहां पर आ जाओ, किसने ढूंढा था, राम, दया राम साहनी ने, यहां पे ए लगा देना। और जो हरि है वो क्या करते हैं, दया करते हैं। तो यहां से आपको सारी चीजें याद होगी, हरप्पा कहां मिली थी, रावी नदी के किनारे, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान के बारे में आपको बता ही दूंगा। और हरि क्या करते हैं, दया करते हैं लोगों के ऊपर, कृपालु है ना भगवान, बहुत दया करते हैं। तो किसने ढूंढी थी, दया राम साहनी ने, और कब ढूंढी थी, 1921 में। आप देखो यार, तुमसे कोई गलती हो जाए, भगवान न करे होए, लेकिन कोई छोटी मोटी गलती होगी तो भगवान क्या करते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। 1920 गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं, 1921 कोई गलती हो जाए, ऐसे याद करने की कोशिश करना, 1921 कोई गलती हो जाए तो जो हरि हैं वो क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे बनाएंगे हम, और ऐसे याद करोगे तुम, और तुम कभी नहीं भूल सकते। अब भूल कर दिखाओ, हरि ही रवि है ये बात बिल्कुल सही है, और किसने ढूंढी थी, दयाराम सानी ने, क्योंकि हरि का दूसरा नाम क्या है, राम। याद करने का तरीका बता रहा हूं हरप्पा के बारे में, और हरि क्या करते हैं, दया करते हैं, और 1921 कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है ई कक्षा चैनल पे, जीतू सर ने भी वो क्या वैसे ही पढ़ाई है, आप पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर अगला क्वेश्चन क्या आता है, नदी के बारे में बात होगी, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात होगी, जिसने ढूंढ के निकाली थी, खोद कर निकाली थी, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब यहां से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कि जब ढूंढ के निकाली थी तो उसमें से कुछ निकला भी था या खाली जमीन थी, बहुत कुछ निकला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, मतलब हरि ही क्या है, शिव भी हैं, और शिव का दूसरा नाम क्या है, नटराज। जब भगवान शिव डांस करते हैं ना तो उस पोस्चर को या उस फेस को नटराज का नाम दिया गया है। आपने देखी भी हुई कई सारी जगह भगवान की मूर्ति जिसमें भगवान शिव डांस कर रहे हैं तो उसे नटराज बोला जाता है।
तो डांसिंग नटराज, जो नटराज की मूर्ति थी वो कहां से निकली थी? हड़प्पा से निकली थी। कितनी सारी चीजें याद होगी। भगवान विष्णु के कितने हाथ होते हैं? जब वो सब पकड़ के खड़े होते हैं हथियार जितने भी होते हैं बुरे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, तीन इधर होते हैं तीन इधर होते हैं, वैसे तो चार होते हैं लेकिन एक दो हथियार एक्स्ट्रा, छह हाथ हो गए। तो उस छह नंबर को रिलेट करो छह ग्रेनरीज से, छह छह करके नंबर याद दिला रहा हूं। ग्रेनरीज तो मिली थी लेकिन कितनी मिली थी? छह, और एक साथ मिली थी। तो ये छह वहां से याद रखना, यहाँ 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 और यहाँ, डांस कर दिया मैंने तो छह ग्रेनरीज कहां से मिली थी? वहीं से मिली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा साइट के पास नदी कौन सी थी? रावी नदी थी। कौन सी जगह थी? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। और किसने ढूंढी थी वो आपने बता दिया, साल भी आपने बता दिया, क्या क्या निकला था वो भी बता दिया, नटराज और छह ग्रेनरीज। तो आप क्या इसको कभी भूलोगे? मुझे नहीं लगता। घोल कर पिला दी जाएगी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और अच्छा यार थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर पीछे जो है ना बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का ब्लर भी हो जाए तो इग्नोर कर देना, क्योंकि इस टाइम पे मैं खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है हिंदी के बच्चों के लिए, यार देखो सब कुछ हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाता तो कैसे पढ़ाता? ओके, हड़प्पा साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम सानी एंड इट वाज नेक्स्ट टू द रिवर रावी एंड डिस्ट्रिक्ट वाज साहिवाल। लेकिन मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, मैं तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ यार। हड़प्पा को क्या हिंदी में नहीं लिख सकते? मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, हमारे दिल्ली के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनकी हाल हिंदी में ही खराब है, इंग्लिश इंग्लिश ही हो जाती है। फिर हम एमएनसी में भी जाते हैं ना तो इंग्लिश ऐसे, मतलब इंग्लिश ही चल रही है, हमारा रटा रखी है कि बोलना है तो इंग्लिश में, सारा काम इंग्लिश में करना है, जो मातृभाषा है पूछो मत उसके हाल। तो कर लेना इसको, ठीक है। रावी को हिंदी में रावी लिख लेना, साहिवाल को भी वैसे लिख लेना, ट्रिक वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा। हिंदी के बच्चे बहुत सारे कहते हैं, हमने कोशिश की है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो साथ में हिंदी में भी आए, लेकिन थोड़ा सा तुम भी एडजस्ट करो क्योंकि यार करना ही पड़ेगा तुमको, लेकिन जो नॉलेज है ना उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो इसके बाद जो दूसरी साइड थी 1921 के अगले साल 1922, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि मोहनजोदारो के बारे में कैसे याद करोगे। तो जो मोहनजोदारो आती है वो 1922 में ढूंढ कर निकाली थी, ठीक है। अब मोहनजोदारो एक पिक्चर आई थी, किसी को याद हो, उसमें एक लड़का था, क्या था लड़का था, क्या नाम था उसका? ऋतिक रोशन था, है ना। तो ये मोहनजोदारो में एक लड़के की कहानी थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? लड़काना डिस्ट्रिक्ट। ऐसे लड़का लड़काना रिलेट कर लेना, ठीक है। और मोहनजोदारो में लड़का तो था ही था, लेकिन जब मोहनजोदारो पिक्चर लगी थी तो उसके कई सारे बैनर लगे थे पब्लिसिटी के लिए। किसने ढूंढ के निकाली थी? आर डी बैनर्जी ने। मोहनजोदारो के बैनर लगे थे यार, प्रमोशन नाम की भी चीज होती है, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। लव सर की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, परसेंटेज की देख लेना, इसे प्रमोशन कहते हैं। मार्केटिंग बैनर मैंने खुद बना दिया, बैनर मतलब, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदारो जो थी वो एक लड़के की कहानी थी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट थी, पाकिस्तान के बारे में भी याद कराऊंगा मैं, ठीक है। और आर डी बनर्जी बैनर लगे थे, और एक साल बाद 21 के एक साल बाद क्या होता है 22, अब इसको रटने की तो जरूरत है नहीं, है ना। ये थी मोहनजोदारो का एक और नाम होता है माउंट ऑफ डेड। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि माउंट ऑफ डेड क्या होता है या किसका नाम होता है, दूसरा नाम है। तो एम से मोहनजोदारो और एम से ही माउंट ऑफ डेड, जितनी भी साइट लिखवाऊंगा ना उनमें से कोई भी एम से स्टार्ट नहीं होती, तो एक ही होती है। तो माउंट ऑफ डेड एम, और ये भी एम, यार इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये सिर्फ कॉमन सेंस है, दैट इज नॉट सो कॉमन, उसको बनाओ बन जाएगी, ठीक है। मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड, एम के बाद अगला लेटर क्या आता है अल्फाबेट में? अल्फाबेट एक ही होता है इंग्लिश में, कई सारे नहीं होते, तुम 26 बोलते रहते हो, 26 लेटर होते हैं उसके अंदर, अल्फाबेट एक ही है, ठीक है। तो मोहनजोदारो के बाद अगला लेटर क्या आता है? एन, और एन से इसका एक और नाम आ जाता है नखलिस्तान। मोहनजोदारो को नखलिस्तान भी बोला जाता है। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। नखलिस्तान मतलब ओएसिस ऑफ सिंध, छोटी सी वर्ड है यार, मुश्किल नहीं होगी तुम्हें याद करने। तो इससे हमें यह पता चल गया कि सिंध आ गया, मतलब ये जगह कौन सी थी? सिंध, ठीक है। यहाँ पे यार एक चीज और लिखना था, यहाँ स्टेट लिखना था या प्रोविंस लिखना था, ये मैंने नहीं लिखा तो अब लिख देता हूं, सिंध जगह थी,
ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, M का मतलब होता है, M से एक वर्ड होता है महाविशाल, M से ही होता है ना, महाविशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो M से ही मोहनजोदारो, और एक वर्ड होता है ग्रेट, उसका भी मतलब होता है महा, बहुत बड़ा, या तो महान होगा या महाविशाल होगा, वो होगा। तो ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा नहाने की जो जगह थी वो कहां मिली थी, मोहनजोदारो में। एम से मोहनजोदारो और एम से महाविशाल नहाने की जगह मतलब ग्रेट बाथ कहां मिली थी, ऐसे रिलेट करके देखना कि ग्रेट का भी मतलब महा होता है, एम से ही मोहनजोदारो शुरू होता है। ग्रेट ग्रेनरी, सबसे बड़ी ग्रेनरी कहां मिली थी, जहां पे अनाज वगैरह ये सब रखते थे, मोहनजोदारो में मिली थी। तो अब क्या भूलोगे इसको, ग्रेट का भी मतलब महा होता है, मोहनजोदारो एम से शुरू होता है, एम से मोहनजोदारो, एम से महा, एम से ही मतलब महाविशाल ग्रेनरी, महाविशाल नहाने की जगह, ये होता तरीका। और एम से ही एक और नाम होता है महादेव, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि महादेव या फिर प्रोटो शिवा सील जो स्टैम्प थी, जो महादेव जिसके ऊपर वो चिन्ह बना हुआ था, वो कहां से मिली थी, मोहनजोदारो। क्यों, क्योंकि एम से ही मोहनजोदारो, एम से ही महादेव, एम से ही महाविशाल नहाने की जगह, एम से ही महाविशाल अनाज रखने की जगह। सॉरी। तो पशुपतिनाथ, अच्छा मोहनजोदारो पिक्चर आई थी, उसमें एक लड़की होती है वो डांस कर रही होती है, देखी होगी यार, मैंने गाना सुना है, अच्छा गाना था। तो डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहां से मिला था, नटराज का तो हरप्पा से मिला था, जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है वो कहां से मिला था, मोहनजोदारो से मिला था। तो आपने, आपको मुझे खुद बताओ, लॉजिकली भी अगर बात करें तो इसमें से कुछ भी रटने का है ही नहीं सवाल, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं फटाफट, चानूदारो, चानूदारो के बारे में बात करेंगे। चानूदारो किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, ठीक है, और सी से ही एक वर्ड होता है सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता था, एक किला टाइप का होता था जो रक्षा करता था, एक फोर्ट्रेस जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलर टाइप होता था, उसे बोलते थे। तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही ऐसी साइट है जो सी से स्टार्ट हो रही है, चानूदारो, और इसी में ही सीटाडेल नहीं था। आप भूलोगे क्या, कितने भी नाम दे दूं मैं, क्वेश्चन में पूछ लूं कि कौन सी साइट पे सीटाडेल नहीं था, चानूदारो में नहीं था। क्यों, सी से स्टार्ट हो रही है, हमने ये हमारी याद करने की ट्रिक है जो हम लोगों ने आपको बताई है और आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब इसकी भी नदी याद करनी है, मेरे को एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल चीज है, आपने नाम सुनोगे चिंग्स चाइनीज, मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन चिंग्स, इस वाले चिंग्स की जो स्पेलिंग है ना, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्यों लिखी हमने, चा से चानूदारो, ठीक है, आई से इंडस नदी, एन से कौन सी जगह थी ये, नवाब शाह, ठीक है, और एनजी, एनजी आ गया ना इसमें, चिंग्स में तो आते ही एक एन फालतू लिखा है मैंने, तो एनजी, एनजी मजूमदार जो थे, इन्होंने ये ढूंढ कर निकाली थी। कब निकाली थी, सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी ना उसके 10 साल बाद, मतलब 1931 में। भूल कर दिखा दो इसको, अगर एक बार भी ढंग से सुन लिए तो आप भूल नहीं सकते इसको भी, ठीक है। इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है ना भाई, तो लाइक करो, शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करो, आगे और भी साइट्स हैं तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, अच्छा इसमें से क्या क्या निकला था, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी जो होती है ना, उसका एक वो निकला था, छोटा सा, मतलब किसी टेराकोटा चीज होती है, मटेरियल होता है, उसका बना हुआ निकला था। तो सी से चानूदारो, सी से काट और सी से टेराकोटा, कोटा में भी सी आ रहा है, सी 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 एग्जाम में आ जाएगा, बुलक कार्ट सी याद आया, चानूदारो, टेराकोटा सी दिख रहा है मुझे, चानूदारो। और एक चीज और जो हल्की सी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बुलक कार्ट जो थी उसके साथ साथ एक और चीज निकली थी, बीड्स, मतलब जो छोटे छोटे मोती होते हैं वो। तो ये थी आज की तीन साइट, बड़े आराम से याद हो जाएंगी। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ई कक्षा एजुकेशन पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा एक एक चीज। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम और साइट्स लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों, पढ़ो, शेयर करो और पढ़ने का तरीका बदलो। थैंक यू।